अश्वमेध क्या है? अश्वमेध क्या है? एक राजा अपने एक घोड़े को छोड़ता था, वो जहाँ तक जाएगा दूसरे के राज्य में, दूसरे राजा के राज्य में, वहाँ तक उस राजा का राज्य होगा जहाँ तक जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। ठीक है, अगर दूसरे राज्य में चला गया और दूसरे राज्य ने उसका राज उस घोड़े को पकड़ लिया, तो जिसने घोड़ा छोड़ा है वो आपस में लड़ाई करेंगे फिर दोनों। ठीक है, अगर उसने उसे नहीं पकड़ा, उसने चलने दिया, तो जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक उस राजा का राज हो जाएगा जिसका घोड़ा है। बात समझ में आई? मतलब एक राजा अपना घोड़ा छोड़ता है अपने राज्य विस्तार के लिए, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक मेरा राज्य है। सिंपल सी है ये कहानी। अगर दूसरे राज्य में चला गया और दूसरे राजा राजा ने उसे पकड़ लिया, और या तो वो मान जाए, उस राजा के अधीन हो जाए, या फिर दोनों बैठ के लड़ेंगे, मतलब युद्ध होगा फिर। तो अश्वमेध वाज रिचुअल, रिचुअल था यूज टू रिकॉग्नाइज मैन एज ए राजा, राजा के फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करने वाला रिचुअल था ये। ए हॉर्स वाज लेफ्ट टू वंडर फ्रीली, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था तो फ्रीली घूमने के लिए। इफ इट वंडर्ड इनटू अनदर किंगडम, दूसरे राज्य में चला गया, एंड द किंग ऑफ दैट किंगडम स्टॉप्ड इट, दूसरे राज्य जिस राज्य में चला गया वहाँ के राजा ने उसे पकड़ लिया, तो दे हैड टू फाइट। ठीक है, द राजा हु सक्सीड इन द चैलेंज वाज रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रॉन्गर, जो जीत गया वो बड़ा, उसका राज्य ज्यादा हो जाएगा। बस यही था अश्वमेध।